हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को और इस मूवी का नाम है 365 डेज। इस मूवी को 2020 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक बहुत बड़े माफिया को देखते हैं जिसे एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके बाद वो उस लड़की को किडनैप करके अपने घर में ले आता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग माफिया डॉन्स को देखते हैं जिनके बीच मीटिंग चल रही होती है। वहीं पे माफिया डीलर का बेटा भी होता है जिसका नाम मसीमो है। वो बीच के किनारे नहाते हुए एक लड़की को देख रहा था, लेकिन ब्लैक मार्केट से आए हुए माफिया मसीमो और उसके फादर को गोली मार देते हैं और वहीं पर मसीमो के फादर की मौत हो जाती है, लेकिन मसीमो के आदमी उसे किसी तरह बचा लेते हैं। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। अपने पिता की मौत के बाद अब मसीमो इन लोगों का लीडर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम लौरा है। लौरा एक अच्छे कंपनी में काम करती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन लौरा अपने बॉयफ्रेंड से खुश नहीं है। लौरा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इटली जाती है, लेकिन वहाँ भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी नहीं बनती है। इसके बाद वो काफी अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो रिलैक्स होने के लिए अकेले एक जगह पर जाती है। तभी लौरा के पास कुछ अनजान लोग आते हैं और उसे वो किडनैप कर लेते हैं और लौरा को एक जगह पर ले जाते हैं। लौरा को जब होश आता है तब वो देखती है वो एक रूम में बंद है। लौरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। लौरा उस रूम से बाहर आती है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन तभी मसीमो उसके सामने आता है। मसीमो को अपने सामने देखकर लौरा उससे पूछती है तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। मसीमो उससे बोलता है तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसके बाद मसीमो उसे सारी बात बताता है। वो लौरा से कहता है मेरा तुमसे मिलना एक सपने की तरह है। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो लौरा से मिल पाएगा, लेकिन एक बार एयरपोर्ट में उसने लौरा को देखा था। इसके बाद मसीमो अपने फादर की स्टोरी बताता है कि 5 साल पहले उसके और उसके फादर के साथ क्या हुआ था। वो लौरा से कहता है मैं उस दिन एक लड़की को देख रहा था जो कि बीच पर नहा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि लौरा थी। जब उसे ब्लैक मार्केट के माफिया ने गोली मारी थी, गोली लगने के बाद उसके आंखों में लौरा का चेहरा घूम रहा था और वो उससे कहता है मैं गोली लगने के बावजूद सिर्फ तुम्हारी वजह से बच गया था क्योंकि तुम्ही ने मुझे जीने की हिम्मत दी है। और अब मसीमो चाहता है लौरा जिंदगी भर उसके साथ रहे। मसीमो की बात सुनकर लौरा उसे कहती है वो कोई खेलने की चीज नहीं है जिसे कि वो जिंदगी भर अपने पास रख सकता है। मसीमो उससे बोलता है वो अच्छी तरह से जानता है कि वो कोई चीज नहीं है। इसके बाद मसीमो उसे 365 डेज देता है उससे प्यार करने के लिए, और अगर 365 डेज के बाद लौरा को मसीमो से प्यार नहीं हुआ तब वो उसे आजाद कर देगा, लेकिन तब तक लौरा को मसीमो के साथ रहना होगा। मसीमो की इन सारी बातों को सुनने के बाद लौरा डरने लगती है। मसीमो उसे समझाता है इसमें डरने की बात नहीं है, वो उसे उसकी मर्जी के बिना टच भी नहीं करेगा। ये सब बातें कहने के बाद मसीमो वहाँ से जाने लगता है। मसीमो के वहाँ से जाने के बाद लौरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लौरा पकड़ी जाती है। इसके बाद लौरा समझ जाती है मसीमो कोई मामूली आदमी नहीं है और वो इस जगह से उसकी इजाजत के बिना नहीं जा सकती है। लौरा अब धीरे धीरे मसीमो की बात मानने लगती है और वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगती है, लेकिन बीच बीच में लौरा मसीमो का टेस्ट लेती है और वो उसे बहुत परेशान करती है। वो मसीमो को पहले तो सेड्यूस करती है, लेकिन मसीमो जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है वो उसे अपने से दूर कर देती है। वो मसीमो के साथ ऐसा बार बार करती है जिससे मसीमो को बहुत गुस्सा आता है और वो लौरा से कहता है वो ऐसा बार बार ना करे क्योंकि मसीमो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लौरा के साथ जबरदस्ती करे। मसीमो अपने वादे के मुताबिक लौरा को टच नहीं करता है, लेकिन साथ रहते हुए धीरे धीरे लौरा उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन एक दिन जब मसीमो लौरा को एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसकी मीटिंग दूसरे माफिया से थी, तब लौरा जानबूझकर मसीमो को जलस फील करवाती है और वो एक दूसरे माफिया के साथ क्लोज होने लगती है, लेकिन वो दूसरा आदमी बहुत आगे बढ़ने लगता है और वो लौरा को जबरदस्ती छूने लगता है। लौरा यहाँ पर रोने लगती है और वो बहुत डर जाती है। लौरा को रोता हुआ देखकर मसीमो जल्दी से यहाँ आता है। यहाँ आते ही वो अपना गन निकालकर दूसरे माफिया पर तान देता है और वो लौरा को यहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब लौरा सोकर उठती है तब वो देखती है वो एक बोट पर है। वहाँ मसीमो और उसका एडवाइजर है जिसका नाम मारियो है। मारियो काफी दिनों से मसीमो के फादर के साथ काम कर रहा था। उनके मरने के बाद अब वो मसीमो के साथ काम करता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ मारियो मसीमो को समझाता है क्लब में रात को जो भी कुछ हुआ वो बिजनेस के लिए बहुत बुरा था। यहाँ हमें पता चलता है जिस आदमी ने लौरा को टच किया था मसीमो ने उसके हाथ में गोली मार दी थी। मसीमो के ऐसा करने से दो माफियाओं के बीच में गैंगवार शुरू हो सकती है। लौरा इन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब उसे ये एहसास होता है उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो सोचती है उसे दूसरे माफिया के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद लौरा मसीमो से सॉरी कहती है, लेकिन मसीमो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है
और वो लोरा से कहता है, अभी तक मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया है, लेकिन तुम्हारी रात वाली हरकत माफी के लायक नहीं है। मसीनो की ये बात सुनकर लोरा को भी बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों में लड़ाई चल ही रही होती है तभी लोरा का पैर फिसल जाता है और वो बोट से नीचे पानी में गिर जाती है। इसके बाद लोरा डूबने लगती है। लोरा को डूबता हुआ देख मसीनो भी तुरंत पानी में छलांग लगा देता है और वो लोरा को बचा लेता है। जब लोरा होश में आती है तब मसीनो उसके पास ही होता है और वो बहुत इमोशनल होकर उससे बोलता है, तुम्हारी जान बच के ये बहुत खुशी की बात है। उसे पानी में डूबता हुआ देखकर मसीनो बहुत डर गया था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो लोरा को खो देगा। मसीनो की बातों को सुनने के बाद लोरा को ये समझ में आ जाता है, मसीनो का प्यार दिखावा नहीं है बल्कि वो सच्चा प्यार करता है। इसके बाद मसीनो और लोरा यहीं पर एक दूसरे को अपना लेते हैं। ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद वो लोरा को आज़ाद कर देता है और उसे जाकर अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उसे कुछ बिजनेस का काम करना है। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो उससे आकर मिलेगा। मसीनो की बातों को सुनने के बाद लोरा को बहुत बुरा लगता है और वो सैड हो जाती है, लेकिन वो मसीनो की बात मानकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लौटकर अपने दोस्त के पास आती है और वो अपनी सारी स्टोरी अपने दोस्त को बताती है। अब वो अपने दोस्त के साथ ही रहने लगती है। लोरा को इस बात का यकीन था कि मसीनो जल्द ही उसे लेने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं लेकिन मसीनो लौटकर लोरा के पास नहीं आता है। ऐसा लगता था जैसे मसीनो लोरा को भूल चुका है। लोरा को मसीनो की बहुत याद आती थी। जब उसकी दोस्त लोरा को सैड देखती है तब वो उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाती है। दोनों एक क्लब में जाते हैं। ये दोनों उस क्लब में काफी मस्ती करते हैं। लोरा वहीं पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा उससे फिर से बहुत परेशान हो जाती है और वो क्लब से बाहर जाने लगती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन लोरा जैसे ही दरवाजा खोलती है वहां मसीनो पहले से बैठा हुआ था। वो यहां पहले से ही बैठकर लोरा का वेट कर रहा था। मसीनो को यहां देखकर लोरा का बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और वो यहां से चला जाता है। लोरा मसीनो को देखकर बहुत खुश होती है। वो शुरू में तो मसीनो से बहुत लड़ती है, लेकिन मसीनो के समझाने के बाद लोरा मान जाती है और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होते हैं। लोरा जब मसीनो के शर्ट को उतारती है तब वो उसके बॉडी पर गोली का निशान देखती है। उसे पता चलता है उसके यहाँ आने के बाद मसीनो एक गैंग वार में बिजी था और उसे ये गोली वार में ही लगी है, इसलिए मसीनो इतने दिनों तक लोरा से नहीं मिल सका। इसके बाद लोरा मसीनो से कहती है उसे 365 डेज नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो उसे बहुत प्यार करती है। लोरा की बात सुनकर मसीनो बहुत खुश होता है। इसके बाद अगले सुबह मसीनो लोरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लोरा भी मसीनो से शादी करने के लिए मान जाती है, लेकिन लोरा मसीनो से ये कहती है वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके घर में ये पता चले कि वो एक माफिया से शादी कर रही है। मसीनो लोरा की बात समझ जाता है। इसके बाद वो लोरा को लेकर इटली चला आता है, जहां मसीनो का एडवाइजर उसके पास आकर उसे बताता है दोनों गैंग के बीच में अच्छे हालात नहीं है, लेकिन मसीनो मारियो की बात को इग्नोर करता है। यहीं पे हम लोग लोरा को देखते हैं जो कि मसीनो से ये कहती है वो अपनी शादी में अपने दोस्त को भी बुलाना चाहती है। लोरा की बात सुनकर मसीनो उसके दोस्त को बुलवा लेता है। लोरा की दोस्त जैसे ही इटली पहुंचती है लोरा उसे रिसीव करने के लिए जाती है। जब ये दोनों रिटर्न हो रहे होते हैं तब लोरा अपने दोस्त को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसने ये बात मसीनो को नहीं बताई है। लोरा की बात जैसे ही उसकी फ्रेंड सुनती है वो लोरा से कहती है तुम्हें ये बात मसीनो को बतानी चाहिए। इसके बाद वो अपनी दोस्त की बात मानकर मसीनो को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मारियो को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल से उसे ये बात पता चलती है दूसरे गैंग के लोग लोरा पर हमला करने वाले हैं। ये न्यूज जैसे ही मारियो सुनता है वो जल्दी से मसीनो के पास जाता है, लेकिन उसके जाते हुए बहुत देर हो चुकी थी। इधर लोरा की गाड़ी एक टनल पर पहुंचती है। इसके बाद उसकी गाड़ी इस टनल में घुसती है, लेकिन वो टनल से बाहर नहीं आती है। मसीनो लोरा से बात कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसका फोन कट जाता है। मारियो मसीनो के पास पहुंचता है। मारियो को देखकर मसीनो समझ जाता है कि लोरा के साथ क्या हुआ है और वो बहुत सैड हो जाता है और वो गुस्से में जमीन पर बैठ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो